सो हे एवरी वन वेलकम बैक टू एड्रेड कंपेटेटिव क्लासेस और मैं हूँ मिशा आज मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि आज मैं नया टॉपिक लेके आऊँगी लास्ट क्लास में हमने क्या कम्प्लीट कर लिया था हमने कंजंक्शन का पूरा टॉपिक कम्प्लीट कर लिया है विद प्रैक्टिस सेट जिन्होंने अब तक वो क्लास नहीं देखी है वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं आज मैं लेके आई हुई हूँ नया टॉपिक जो कि है आर्टिकल आज हम आर्टिकल टॉपिक को कम्प्लीट करने वाले हैं कुछ दो से तीन क्लासेज रहेंगे जिसमें प्रैक्टिस सेट भी रहेगा और आर्टिकल का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इस क्लास में कम्प्लीट हो जाएगा तो so, आर्टिकल जो टॉपिक है देखिए आर्टिकल होता क्या है आर्टिकल वो होता है जो किसी भी नाउन से पहले लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं आर्टिकल बोलते हैं जैसे मैं बोलती हूँ ना जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं डेली लाइफ में आई एम अ बॉय या आई एम अ गर्ल बॉय क्या है यहाँ पे नाउन है और एक सिंगुलर नाउन से पहले हमें क्या लगाना पड़ता है एक आर्टिकल को लगाना बहुत जरूरी है तो आर्टिकल किससे पहले लगता है एक नाउन से पहले लगता है अब आर्टिकल दो टाइप के होते हैं एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक क्या होता है इनडेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है जो ये बताता है कि कोई भी चीज क्या है निश्चित है क्या बताती है जब कोई भी चीज़ निश्चित है लेकिन वहीं पे जो इनडेफिनेट डेफिनेट होता है निश्चित और इनडेफिनेट क्या हो जाता है अनिश्चित यानी जब हमें कोई भी नाउन क्या नहीं है निश्चित तौर पे नहीं पता तब हम आर्टिकल क्या लगाते हैं ए और ए एन जैसे कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया आई एम अ बॉय यहाँ पे मुझे नहीं पता वो लड़का कौन है क्या है मतलब वो मेरे लिए अनिश्चित है इनडेफिनेट और सिंगुलर नाउन है इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया ए लगाया अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ए और ए एन क्यों लगाया है देखिए आज हम इनडेफिनेट आर्टिकल को कंप्लीट कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास रहेगी डेफिनेट आर्टिकल की मतलब कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है इनडेफिनेट आर्टिकल का ए और ए एन आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है वो अभी हम पढ़ेंगे इस क्लास में देखिए जो अभी मैंने बताया इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ होता है यूज बिफोर देखिए मैं आसान से तरीके में आपको बता देती हूँ कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल में अभी हम पढ़ रहे हैं ए और ए एन अब देखिए हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखिए पांच तरीके के क्या होते हैं वोवल साउंड होते हैं क्या होते हैं वोवल साउंड होते हैं जिसको हम कहते हैं ए ई आई ओ यू ये पांच जब भी आ जाए तो हम नाउन से पहले मतलब जो हमारा नाउन दे रखा है ना जो वर्ड दे रखा है अगर उसका प्रोनउंसिएशन इन पाँच वो, वोवल्स में से आता है तो हम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल किसका यूज करेंगे इन डेफिनेट आर्टिकल में से एन का लेकिन इन पाँचों को छोड़ के बाकी जितने भी वर्ड मतलब अल्फ़ाबेट आ जाए ए बी सी डी में से मतलब ए से लेके जेड में से इन पाँचों को छोड़ के जिनको हम क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट कहते हैं या हिंदी में क्या कहते हैं व्यंजन कहते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं अ लगाते हैं अब देखिए मैंने लास्ट सेंटेंस में अ बॉय इसीलिए इसीलिए लगाया क्योंकि ये जो नाउन है ना इसका साउंड एक बार स्टार्टिंग वाला क्या है बी क्या हमारे इन कॉन्स क्या ये हमारे इन वोवल साउंड में से है नहीं है इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया ए लगाया और एक और मेन पॉइंट जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कह रही हूँ आर तो बच्चे यहाँ पे क्या लगा के लगा के आ जाते हैं अ आर वो गलत होता है क्योंकि देखिए आर का जो साउंड है ना वो एच से देख के नहीं लगाना हमें साउंड को इसलिए कोई भी वर्ड जब भी आपको लगे कि हाँ इसके साथ ए आएगा या एन आएगा पहले एक बार उसको प्रनाउंस जरूर करके देख लीजिए क्योंकि प्रोनंसिएशन में उसका साउंड अलग निकलता है यहाँ पे बेशक एच दिया गया है बट इसका सही प्रोनंसिएशन आर है और आर में साउंड किसका आ रहा है अ का आ रहा है और जो कि किस में से है ए में से है इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे एन लगाएंगे ये एक छोटा सा कन्फ्यूजन हमेशा याद रखिए यानी अगर हमारे वॉल में क्या क्या साउंड आ, 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 आ जाए ए आ जाए आ आ जाए ई ई उ और ऊ और ए और ए अगर इनमें से कोई भी साउंड आता है मतलब उस वर्ड को प्रोनाउंस करके मैंने हिंदी में भी लिख दिया और इंग्लिश में भी लिख दिया तो उस वर्ड को प्रोनाउंस करके अगर इनमें से कोई भी अल्फाबेट या वर्ड आता है जिसको हम वॉल साउंड कहते हैं तो वो उसके लिए हम क्या लगाते हैं एन लगाते हैं तो ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तौर पे दी गई है कि ए कहाँ यूज़ होता है ए यूज होता है विद कॉन्सोनेंट साउंड विद कौन से साउंड के साथ कॉन्सोनेंट जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं व्यंजन कहते हैं और वहीं पे एन किसके वोवल साउंड के साथ यूज होता है और वोल साउंड हमारे क्या है ए ई आई ओ यू ये पाँच हमारे क्या होते हैं वोवल साउंड होते हैं अब दा यूज़ होता है बिफोर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और अ पर्टी और पर्टिकुलराइज नाउन देखिए ये जो डेफिनेट आर्टिकल का केस है ना वो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी बट अगर छोटे ब्रीफ वे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है जो हमारे पास निश्चित तौर पे यानी जिस चीज़ के बारे में हमको पता होता है और ये किसके लिए लगता है जब हमें उस नाउन के बारे में कोई निश्चित तौर पर नहीं पता है तो ये किसके लिए लगता है जैसे कि हम देखें कभी भी किसी भी मोन्यूमेंट का नाम ले लीजिए जैसे कि ताजमहल तो हम कभी भी ताजमहल नहीं बोलते दी ताजमहल बोलते जैसे कि हम कोई क्या बोल रहे हैं हम जैसे देखें न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप देखिए दी हिंदुस्तान अगर मैं कहूं भाई मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ आई रीड अ न्यूज़पेपर डेली अब देखिए मैंने यहाँ पे आई रीड अ न्यूज अ न्यूज मैंने अ न्यूज़पेपर इसीलिए लगाया क्योंकि मुझे नहीं पता वो न्यूज़पेपर कौन सा है और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं रोज का एक न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और न्यूज़पेपर मुझे नहीं पता कौन सा है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया सिंगुलर यानी कि इनडेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया और मैंने ए ही क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है एन का आ रहा है और जो साउंड है वो किसका आ रहा है न no का आ रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे ए लगाया ना कि एन लगाया लेकिन अगर मैं कहती कि आई रीड दी हिंदुस्तान टाइम्स अब की बार मैं डेफिनेट तौर पे यानी निश्चित तौर पे बता रही हूँ कि वो जो न्यूज़पेपर है वो कौन सा है हिंदुस्तान टाइम्स है इसलिए उससे पहले मैं क्या लगाऊंगी आर्टिकल दा का यूज करूँगी आई होप आपको ए एन और दाक में जो एक छोटा सा डिफरेंस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा बाकी सारा खेल इसी चीज़ का है वर्ल्ड साउंड है तो एन लगाएंगे और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या लगाएंगे ए लगाएंगे जैसे कि उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा देखिए अभी मैंने आर का एग्जाम्पल दिया आर में साउंड किसका आ रहा है इसका इसमें देखिए जो अल्फाबेट है या लेटर है वो एच है लेकिन उसका साउंड जो है प्रोनाउंसिएशन है वो वर्ल्ड साउंड में से आ रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं आर बोलते हैं ऐसे ही अ यूनिट या का साउंड आ रहा है ना कि यू बेशक दिखने में क्या लग रहा है बेशक दिखने में वॉल साउंड में से लग रहा है लेकिन इसको अगर हम बोलेंगे तो यूनिट यानी कि या य का साउंड आएगा इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया ए लगाया ना कि ना ना कि एन लगाया मतलब सारा खेल किस चीज़ का है सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का सिर्फ उसमें आप वॉल साउंड मत देखिए उसमें कॉन्सोन साउंड मत देखिए उसको जस्ट उस वर्ड को एक बार प्रोनाउंस करके देख लीजिए अगर उसका साउंड वॉल साउंड में से आता है तो एन और नहीं आता है तो हम क्या लगाएंगे ए लगाएंगे जैसे एन आर फिर से एन ऑनर ऑनर में भी साउंड किसका हो रहा है ऑनर का ओ आ का साउंड आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे एन लगाएंगे ऐसे ही यूनियन यूनियन में बेशक यहाँ पे यू से हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है और वो बेशक वोवल साउंड से लग रहा है लेकिन इसको अगर हम प्रोनाउंस करेंगे तो ये क्या लगेगा य से स्टार्ट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं यूनियन और य हमारे कॉन्सोनेंट्स में से आता है <coughs> यानी कि व्यंजन में से आता है इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे अ लगाएंगे तो आई होप आप इसी तरीके से इसको जितनी बार सॉल्व करेंगे आपका जो कन्फ्यूजन है ए और ए एन में वो क्लियर हो जाएगा जैसे कि एक और मैं बता देती हूँ एन ऑनरेबल पर्सन यहाँ पे हमारे हमें लेटर क्या दिया गया है एच दिया गया है लेकिन फिर भी उसने क्या लगाया एन लगाया ए नहीं लगाया क्यों क्योंकि ऑनरेबल में साउंड किसका आ रहा है ओ का यानी अ का और अ किस में से आता है वॉल साउंड में से आता है इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है एन लगाया है इसी तरीके से आप बाकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं तो ये तो रहा ए और ए एन का यूज़ कि हम कैसे और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगाते हैं अब हमसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस पूछता है वो सारे केसेस मैं यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल के सारे केसेस मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रिंट आउट किए हुए सो पहला रूल कहता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं ए और ए एन का यूज़ करते हैं काउंटेबल का अर्थ मतलब काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं यानी जिसकी क्या की जा सकती है गिनती की जा सकती है और अगर नाउन का अगर नाउन का यूज़ नहीं हुआ है उस सेंटेंस में तो हम आर्टिकल का भी यूज़ नहीं करेंगे किसका यूज़ नहीं करेंगे आर्टिकल का भी यूज़ नहीं करेंगे जैसे कि आई हैव अ पेन अब देखिए पेन क्या है मैंने आपको कहा था जिस भी चीज का कोई नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं नाउन ये चीज मैं आपको दिखा रही हूँ और इसका नाम मैंने क्या है? मतलब रखा हुआ क्या है पेन सब इसको क्या बोलते हैं पेन तो ये क्या होगा नाउन और है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और नाउन से पहले हमें क्या लगाना जरूरी है एक आर्टिकल का लगाना जरूरी है और पेन के साउंड में जो ये पी साउंड आ रहा है सुन मतलब प्रोनाशिएशन में भी क्या आ रहा है पी प का साउंड आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल क्या लगाएंगे ए लगाएंगे नेक्स्ट है कि लेकिन एक्सेप्शनल केस ये जरूर लिखिए एक है नॉइस नॉइस ऐसा वर्ड है जो दिखने में का मतलब काउंटेबल वर्ड नहीं है ये ये क्या है अनकाउंटेबल और ये है आपका एक्सेप्शनल केस अभी तो हमने पढ़ लिया कि काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं लेकिन नॉइस ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल नाउन होता है फिर भी इसके साथ हम क्या लगाते हैं आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं ये है आपका एक्सेप्शन केस जैसे कि डू नॉट मेक अ नॉइस क्या ना करें भाई शोर शराबा ना करे और नॉइस से पहले हम एन नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है न का आ रहा है ना कि किसी वोवल साउंड का अगर किसी वोवल साउंड का साउंड आता तो हम वहाँ पे क्या लगाते एन का यूज़ करते नेक्स्ट जब हमने नरेशन पढ़ा था एक्टिव पैसिव किया था तो उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं जिसमें हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन दे करके किसी बात को कहते हैं और एक्सक्लेमेटरी का जो साइन होता है वो ये होता है अगर जिन्होंने अब तक वॉइस की और नरेशन की क्लास नहीं देखी है वो जाके उसे चेकआउट कर सकता है तो एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस में जब भी वट और हाउ आ जाए और इनके बाद वो किसका यूज़ कर दे सिंगुलर काउंटेबल नाउन तब हम किसका यूज करेंगे आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे जैसे कि मैं कहूं वट अ ब्यूटिफुल गर्ल व्हाट अ ब्यूटिफुल गर्ल मैंने ब्यूटिफुल गर्ल के बारे में बात करी और वो क्या है सिंगुलर गर्ल है इसलिए मैंने उससे पहले क्या लगाया था आर्टिकल ए लगाया था वैसे ही वट अ ग्रैंड बिल्डिंग ग्रैंड बिल्डिंग क्या है यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसीलिए इससे पहले मैंने क्या लगाया आर्टिकल ए और यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है जी का आ रहा है इसीलिए मैंने यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज किया है ना कि एन का नेक्स्ट है वट अ प्रिटी गर्ल अभी मैंने ब्यूटिफुल गर्ल का एग्जाम्पल दे दिया था इन्होंने प्रिटी गर्ल का दे दिया साउंड किसका आ रहा है प का आ रहा है इसीलिए मैंने यहाँ पे जो आर्टिकल है वो क्या लगाया तो हमने तीन एक्सेप्शनल केस पढ़े क्या किसी भी काउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए और ए एन का यूज करते हैं अगर काउंटेबल नाउन नहीं है तो हम आर्टिकल का भी यूज़ नहीं करेंगे दूसरा हमने रूल पढ़ा एक्सेप्शनल केस कि नॉइस ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल होते हुए भी अपने साथ क्या लेता है आर्टिकल ए का यूज लेता है तीसरा रूल हमने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वट और हाउ के साथ भी अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे रखा है तब हम आर्टिकल ए और ए एन का यूज करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे नेक्स्ट रूल है जब भी हम किसी प्रतिमा या प्रति वस्तु की कीमत के बारे में मतलब यूज़ करते हैं तो हम आर्टिकल ए और ए एन का यूज़ करते हैं जैसे कि आप देखिए जिसमें हम किसकी बात करते हैं अमाउंट की बात करते हैं किसकी बात करते हैं अमाउंट की, है? की जैसे दिस कार रन्स ट्वेंटी किलोमीटर अ लीटर क्या है यहाँ पे अ लीटर जब भी हम किसकी प्रति माह और प्रति वस्तु के बारे में बात करते हैं तो हम उससे पहले क्या लगाते हैं उसके पहले हम क्या लगाते हैं आर्टिकल ए और ए एन का यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साउंड ऑफ द वर्ड इस वर्ड का साउंड क्या आ रहा है प्रोनाशिएशन क्या आ रही है लीटर वर्ड क्या है लीटर वर्ड ऐसा है जैसे कि लीटर हो गया ठीक है डोजन हो गया थाउजेंड हो गया लैक हो गया देखिए लीटर वर्ड से पहले इसने क्या लगाया आर्टिकल ए का यूज किया है और कुछ गिनती वाले शब्द भी ऐसे होते हैं जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी हंड्रेड हो गया थाउजेंड हो गया मिलियन हो गया डोजन हो गया कपल हो गया इनसे भी पहले हम किसका यूज करते हैं आर्टिकल ए का यूज मतलब आर्टिकल ए का यूज करते हैं अब देखिए आई अर्न रुपीज टेन थाउजेंड अ मंथ कि भाई वो एक मंथ में कितने रुपीज कमा लेता है टेन थाउजेंड रुपीज कमा लेता है और मंथ से पहले हमने क्या लगा दिया आर्टिकल ए क्योंकि साउंड किसका आ रहा है एम का साउंड आ रहा है दिस ट्रेन रन सेवेंटी किलोमीटर्स एन आर की भाई ये जो ट्रेन है ये सेवेंटी किलोमीटर्स पर घंटा चलती है और पर घंटा आर का जो साउंड बेशक यहाँ पे एच है लेकिन एच इसका जो प्रोनंसिएशन निकलेगा वो आर निकलेगा इसीलिए उसका प्रोनंसिएशन में क्या आ रहा है ए इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया एन लगाया ना कि ए तो मतलब सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि जब भी हमारे कोई प्रतिमा या प्रति वस्तु के बारे में बात करता है तो उससे पहले भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं सिर्फ डिपेंडिंग अपॉन द साउंड प्रोनंसिएशन नेक्स्ट है अ डोजन बाकी ये दो तो आप कर ही सकते हैं अ डोजन पेंसिल्स वर बॉट बाय हर कि जो एक दर्जन पेंसिल्स है वो किसके द्वारा बेची गई है बाय हर तो अब देखिए डोजन से पहले भी हम क्या लगाते हैं आर्टिकल का यूज करते हैं हंड्रेड से भी पहले हम किसका यूज करते हैं आर्टिकल का यूज करते हैं मिलियन से भी पहले हम किसका यूज करते हैं आर्टिकल का यूज करते हैं कपल से भी पहले आर्टिकल का यूज करते हैं नेक्स्ट है हाफ से पहले ए का यूज देखिए हाफ जो होता है ना अभी तो हमने डोजन पढ़ लिया मिलियन पढ़ लिया ठीक है ये पढ़ लिया कपल पढ़ लिया ये सारे वर्ड से पहले आर्टिकल ए का यूज होता है अब हाफ से पहले ए का यूज़ किस तरीके से होता है जैसे टू मीटर टू एंड अ क्वार्टर मीटर अब देखिए आप देखिए यहाँ पे क्या है अ क्वार्टर मीटर इससे पहले भी हमने किसका यूज़ किया है आर्टिकल ए का यूज़ किया है और अ क्वार्टर मीटर किसको बताता है हाफ को बताता है किसको बताता है हाफ को ही बताता है नेक्स्ट है तीन किलो या थ्री एंड अ हाफ किलो अब देखिए फिर से हाफ किलो से पहले मतलब जो ये हाफ वर्ड आ जाते हैं ना अगर इसका ऐसे यूज आ जाए जिसके पीछे हम किलो या मीटर के बारे में बात करते हैं उससे पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं आर्टिकल ए का ही यूज़ करते हैं नेक्स्ट है जब हमारे सेंटेंस में क्या आ जाए वर्ब का यूज़ हो जाए और वर्ब का यूज़ किसकी तरह हो नाउन की तरह मतलब हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो है ना आर्टिकल का वो सिर्फ और सिर्फ नाउन पे ही टिका हुआ है और उसी के हम एक्सेप्शनल केसेस पढ़ रहे हैं कि अगर किसी वर्ब का यूज़ नाउन की तरह किया जाए तो उससे पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं आर्टिकल ए और ए एन का यूज़ करते हैं जैसे कि जब मैं जीरण पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें मेंशन किया था ना कि जीरण की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और वो नाउन का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का काम भी करता है तो सेम वही केस है कि अगर कोई वर्ब नाउन का काम करने लगे तो वो नाउन का काम कर रहे तो उससे पहले हमें क्या लेने की जरूरत है एक आर्टिकल लेने की जरूरत है जैसे ही गोज फॉर अ वॉक डेली यहाँ पे वॉक बेशक वर्ब है लेकिन काम किसका कर रही है नाउन का काम कर रही है इसीलिए हमने यहाँ पे इससे पहले क्या लगाया आर्टिकल का यूज किया है ये हमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस याद रखने हैं नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रूल कि मैं नहीं आ जाए रादर आ जाए क्वाइट आ जाए सच आ जाए सच आ जाए अगर इनके बाद किसी सिंगुलर नाउन का यूज़ किया जाता है तब हम आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे ए और ए एन का यूज़ करेंगे और ये रूल हमने किसके में पढ़ा हुआ था हमने ये रूल एडजेक्टिव uh, में भी पढ़ा हुआ है प्रोनाउन में पढ़ा हुआ है और मेन कॉन्सेप्ट है इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन में मतलब सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन में तो इससे मतलब भर भर के रूल दिए गए हैं कि जब भी इन शब्दों का जैसे मैनी हो गया फ्यू हो गया सेवरल हो गया बोथ हो गया ठीक है प्लेंटी uh, ऑफ हो गया तो हम क्या देखते हैं आगे आने वाला नाउन देखते हैं अगर वो सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब सिंगुलर और अगर वो प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब प्लूरल लेकिन अब की बार वो क्या कह रहा है अगर इसके बाद कोई सिंगुलर नाउन आ जाए मतलब अकेला नाउन आ जाए तो उससे पहले हम आर्टिकल ए और ए एन का यूज करते हैं मतलब ए और ए एन का मकसद ही है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही लगना है इसके साथ लगना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही लगना है जैसे मैनी आ सिटीजन वुड वेलकम सच आ चेंज मैनी के बाद यहाँ पे क्या आ गया ए आ गया क्योंकि हमारा जो ये सिटीजन है ये किसको डिनोट कर रहा है सिंगुलर नाउन को डिनोट कर रहा है नेक्स्ट है इट इज रादर आ पिटी फिर से पिटी जो है ये किसको डिनोट कर रहा है सिंगुलर नाउन को डिनोट कर रहा है इसलिए इससे पहले हमने और इसमें देखिए सिटीजन में साउंड किसका आ रहा है सिटीजन में साउंड सी का आ रहा है और ये किसको कॉन्सोनेंट को डिनोट करता है इसीलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल क्या लगाया ए लगाया ना कि एन और सेम एज़ ऐसे ही पेटे में भी किसका साउंड आ रहा है प का साउंड आ रहा है ना कि किसी बॉबल साउंड का आ रहा है इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है आर्टिकल ए नेक्स्ट है इट वॉज़ क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क इम्पॉसिबल टास्क मतलब इम्पॉसिबल जो वर्ड है क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं और जब भी हम किसी नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमेशा क्या होते हैं सिंगुलर हमेशा क्या होते हैं सिंगुलर और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं पॉजिटिव केस भी सिंगुलर लेते हैं और जब वो सिंगुलर है तो अपने साथ जो आर्टिकल है वो भी तो सिंगुलर ही लेंगे और यहाँ पर आई का साउंड आ रहा है और आई क्या है एक वोवल साउंड है इसीलिए यहाँ पर हमने आर्टिकल किसका यूज़ किया है एन का यूज़ किया है तो जितने एक्सेप्शनल मतलब आर्टिकल जो टॉपिक है ना हमारे ग्रामर का सबसे आसान टॉपिक जो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है नाउन पे उसके साउंड पे उसके प्रोनउंसिएशन पे और जितने मैं एक्सेप्शनल केसेस आपको बताती जा रही हूँ वो सारे एक्सेप्शनल केसेस आप लिखते जाइए और उसको अगर आपने दो से तीन बार ही पढ़ लिया ना आपको एक भी रूल मतलब ऐसा नहीं होगा जो आप भूल जाएंगे बस उस रूल कंटिन्यूटी में दो से तीन बार पढ़ लेना है नेक्स्ट एक रूल नंबर एट और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है देखिए कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ हम किसका यूज करते हैं आर्टिकल ए का या एन का यूज करते हैं अब देखिए वो हमारे फ्रेजेस कौन कौन से हैं ये वाले हमें फ्रेजेस देखिए इनको याद करना आसान भी है और थोड़ा मुश्किल भी है कि अगर आपने इसको तीन से चार बार पढ़ लिया तो ये याद हो जाएंगे जिसमें से इंपॉर्टेंट है इन अ फिक्स देखिए इन अ फिक्स के बीच में किसका यूज हुआ है आर्टिकल ए का इन आ हरी इन आ हरी का मतलब होता है जो बहुत ही जल्दबाजी में काम करे या बहुत ही जल्दबाजी में हो इन आ नटशेल नटशेल से पहले भी किसका यूज़ हुआ है? ये तीन तो इम्पॉर्टेंट है इसके बाद ये मेक आ नॉइज इसका तो रूल भी हमने पढ़ लिया कि नॉइज ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल नाउन को डिनोट करता है एक्सेप्शनल केस में कि अनकाउंटेबल नाउन होते हुए भी उसके साथ हम किसका यूज करते हैं आर्टिकल ए का यूज करते हैं अगर आप चाहें तो उन रूल को अलग अलग भी याद कर सकते हो अगर आप चाहें तो इन सारे फ्रेज को एक साथ याद कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है इसमें से टेला लाई इंपॉर्टेंट है ये तो हम डेली लाइफ में पढ़ते भी हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एट अ लॉस क्योंकि एट अ लॉस लॉस में साउंड किसका आ रहा है लॉस यानी ल का साउंड आ रहा है और एल क्या है कॉन्सोनेंट साउंड है इसीलिए उससे पहले हमने क्या लगाया आर्टिकल ए का यूज किया है ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैंने फ्रेजेस में मार्क कर दिए जो काफी बार पूछे गए हैं बाकी बस हमको एक बार रीड आउट जरूर कर लेना है तीन से चार बार आप जैसे ही रीड आउट करेंगे आपके सारे फ्रेजेस आपको याद हो जाएंगे जैसे कि क्वेश्चन है नेवर टेल अ लाइट लाई कि कभी भी क्या नहीं बोलना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए और टेल अ लाई क्या है एक फ्रेज है और लाई में साउंड किसका आ रहा है ल का साउंड आ रहा है यानी कि एल जो किसको डिनोट करता है कॉन्सोनेंट को इसलिए हमने आर्टिकल क्या लगाया है ए लगाया है ना कि एन नेक्स्ट है मेक आ नॉइस में नॉइस फिर से अनकाउंटेबल नाउन है वैसे तो ये पूरा फ्रेज ही है लेकिन नॉइस एक्सेप्शनल केस में अनकाउंटेबल नाउन होते हुए भी अपने साथ क्या लेता है आर्टिकल ए का यूज लेता है लेकिन कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं ये तो वो फ्रेज है जिनके साथ हम आर्टिकल ए का यूज या एन का यूज़ करते हैं लेकिन कुछ ऐसे फ्रेज ऐसे होते हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते अब देखिए वो कौन से फ्रेजेस हैं ये वाले इनको भी बस हमें रीड आउट करना और रीड आउट करते ही हमें ये क्या याद ये क्या हो जाएंगे हमें बस माइंड में स्टिक हो जाएंगे और ये याद रहेंगे जैसे कि पहले टू लॉज टू लूज हार्ट टू सेट फुट टू गिव ईयर ये इंपॉर्टेंट है एट होम ये तो हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं एट अ होम नहीं बोलेंगे कभी भी या एट एन होम नहीं बोलेंगे एट होम बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट लीस्ट ये तो हमने डेली में बोला हुआ है कि जो लास्ट है लेकिन मतलब सबसे कम भी नहीं है बेशक वो अंतिम में आ रहा है लेकिन कम भी नहीं है ये भी इम्पॉर्टेंट है टू कैच फायर और uh, टू टेक हार्ट ये और इन डेंजर ये इम्पॉर्टेंट है और बाय मिस्टेक तो आपको पता ही है कि ये चीज़ मेरे से गलती से हो गई तो इन फ्रेजिज के साथ हम किसका यूज़ नहीं करते आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते जैसे हमने एक बार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस पढ़ा था ना कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते बस वैसे ही केस है कि कुछ ऐसे फ्रेज है जो अपने साथ आर्टिकल ए का यूज़ लेते हैं और कुछ ऐसे वर् कुछ ऐसे फ्रेजेज होते हैं जो अपने साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं लेते जैसे कि है आई एम एट होम मैं कभी नहीं बोलूँगी आई एम एट अ होम तो वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या है पूरा एक जिसको हम प्री पोजिशन में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो प्री पोजिशन ही रहेगा जिसमें मैं पूरा मतलब मतलब वो जो टॉपिक है ना उसकी तो मैं बिल्कुल अलग से क्लास ले रही हूँ जिसमें हमारे पूरे सिक्सटी डेज कंप्लीट हो जाएंगे और वो जो रहेगी वो आपके मतलब किसी भी एग्जाम के लिए आप प्री पोजिशन की क्लास ले सकते हैं और प्रीपोजिशन में मैं चाहे फ्रेजेस हो गए चाहे फिक्सड प्रीपोजिशन हो गए और चाहे प्रीपोजिशन जितने भी हैं सब के रूल बताऊँगी एक्सेप्शनल भी उनके यूज भी विद पिक्चर ताकि आपका जो प्रीपोजिशन का टॉपिक है वो अच्छे से कवर अप हो जाए नेक्स्ट है द हाउस वॉज सेट ऑन फायर क्या इसके साथ भी मैंने आर्टिकल ए और ए एन का यूज़ किया बस हमें इन जितने भी फ्रेजेस को इनको बस एक बार रीड आउट कर लेना है नेक्स्ट है किसी भी प्लूरल नाउन से पहले किसका यूज़ अब मतलब मैं वो बता रही हूँ पहले तो मैंने बता दिया आर्टिकल ए और ए एन का यूज़ अब आ रहे हैं कि आर्टिकल ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं होता जब हम पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही होता है तो कहाँ नहीं होगा प्लूरल नाउन अगर आ जाए तो उससे पहले हम किसका यूज नहीं करते आर्टिकल ए और ए एन का जैसे कि मैं कहूँ आई हैव अ पेंस मैं काउंट बता रही हूँ पेन्स का भाई एक पेन से तो ज़्यादा ही पेन है ना और मैं काउंट क्या लगा रही हूँ ए लगा रही हूँ क्योंकि जो ए और ए एन है ना वो सिर्फ और सिर्फ नंबर में किसको डिनोट करते हैं एक को इससे ज़्यादा को वो डिनोट ही नहीं कर सकते और जब भी कोई नाउन प्लूरल काउंट दे दे जो क्या बता दे एस टर्म में बता दे उसके साथ हम आर्टिकल ए और ए एन का यूज़ नहीं करते जैसे अप बॉयज़ हैव कम यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए था अ नहीं आना चाहिए था क्योंकि बॉयज़ यहाँ पे काउंट किसका दे रहा है प्लूरल का ऐसे ही बॉय हैव कम या द बॉयज़ हैव कम क्या होना चाहिए था बॉय हैव कम नहीं होना चाहिए था क्या होना चाहिए था द बॉयज़ हैव कम क्योंकि आर्टिकल ए और ए एन का तो यूज़ नहीं कर सकते और आर्टिकल द किसको बताता है डेफिनेट थिंग को बताता है नेक्स्ट रूल है हमारा अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और ए एन का यूज़ नहीं किया जाता और ये रूल है हमारा नाउन का ये मैंने आपको नाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जैसे कि इन्फॉर्मेशन हो गया एडवाइस हो गया लगेज हो गया बगेज हो गया ठीक है डर्ट हो गया ट्रैफिक हो गया मिसचीफ हो गया ये सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके साथ और वहाँ पर भी मैंने मैंशन किया था आर्टिकल ए और ए एन का यूज़ नहीं किया जाता अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी अपने साथ क्या लेते हैं सिंगुलर और उन नाउन के पीछे एस सी आई एस लगा के उन्हें प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता ये रूल तो पूरा नाउन का है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जिसने नाउन की क्लास नहीं देखी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास नहीं देखी वो उसे जाके चेकआउट कर सकता है जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट है एडवाइस बैगेज लगेज न्यूज इंफॉर सॉरी नॉलेज और एक वर्ड है इक्विपमेंट एक फर्नीचर एक पोइट्री और इंफॉर्मेशन और स्टेशनरी ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है जिनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि ही गेव मी एन एडवाइस सुनने में बिल्कुल सही लग रहा हो लेकिन यहाँ पे हम किसका यूज़ नहीं करेंगे एन का यूज़ क्योंकि एडवाइस का मतलब क्या होता है सलाह होता है और सलाह को हम काउंट नहीं कर सकते वो कितना है इन्फॉर्मेशन कितना हाँ इनको काउंटेबल बनाया जा सकता है इनके आगे हम कुछ वर्ड ऐड कर सकते हैं लेकिन इन शब्दों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते नेक्स्ट है ही आई विल बाय अ फर्नीचर टुडे कितना फर्नीचर बाय कर रहा है नहीं पता इसलिए आर्टिकल क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज़ नहीं करते आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज़ किया जाता है तो इनके साथ कुछ शब्दों का देखिए मैंने क्या कहा अभी मैंने लास्ट रूल में क्या मेंशन किया कि हाँ इन शब्दों को प्लूरल ज़रूर बनाया जा सकता है लेकिन कैसे कि उनसे पहले कुछ शब्दों का यूज़ करके उनको क्या बना सकते हैं काउंटेबल बना सकते हैं यानी मैंने इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करी और ना ही मैंने किसके साथ छेड़छाड़ करी ए और ए एन भी नहीं लगाया उससे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा गलत लेकिन मैंने उसके आगे क्या बोल दिया अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अ पीस की भाई मेरे पास ए इंफॉर्मेशन का एक पीस है अब देखिए पीस पे साउंड किसका आ रहा है प का साउंड आ रहा है और पी क्या है यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है इसीलिए इससे पहले मैंने क्या लगाया आर्टिकल ए ये दोनों रूल मैंने आपको नाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट में कराया है आई एट अ स्लाइस मतलब पूरे ब्रेड के बारे में बात हो रही है लेकिन वो खा क्या रहा है सिर्फ एक स्लाइस और एक स्लाइस यहाँ पे उसने उसको क्या बना दिया इस ब्रेड को क्या बना दिया काउंटेबल बना दिया और स्लाइस में साउंड किसका आ रहा है एस का साउंड आ रहा है जो कॉन्सोनेंट है इसीलिए उससे पहले मैंने क्या लगाया है आर्टिकल ए का यूज़ किया है नेक्स्ट है आर्टिकल का यूज़ काइंड ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ और वेराइटी ऑफ के बाद जो भी नाउन के पहले नहीं होता मतलब कि वट शॉर्ट ऑफ अ मैन या मैन ही इज अब देखिए शॉर्ट ऑफ आ गया इसके बाद जो नाउन दे रखे ना इसके बाद हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे शॉर्ट ऑफ आ जाए टाइप ऑफ आ जाए वैरायटी ऑफ आ जाए सिर्फ हम किसका यूज़ करते हैं उस नाउन का बिना आर्टिकल के किसके बिना आर्टिकल के तो आज जो हमारा आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है जिसमें से मैंने इनडेफिन इनडेफिनेट आर्टिकल जो किसको अनिश्चित को बताता है अनिश्चित नाउन को बताता है उससे पहले मैंने ए निश्चित आर्टिकल यानी ए और ए एन का यूज़ बता दिया ए एन यूज़ होता है वोवल साउंड के साथ ए ई आई ओ यू और वो भी प्रोनाउंस करके क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें वो बेशक वोवल साउंड दे देते हैं लेकिन उसका जो साउंड है वो वोवल नहीं आता मतलब प्रनौंसिएशन में उसका साउंड वोवल नहीं आता वो कॉन्सोनेंट होता है तो उसके साथ हम ए लगाएंगे बाकियों के साथ हम क्या लगाते हैं एन लगाते हैं अगर वोवल साउंड का हमें प्रानउंसिएशन आ रहा है तो और उसके हमने सारे एक्सेप्शनल केस पढ़ लिए किन के साथ हम ए एन का यूज़ करते हैं इन के साथ नहीं करते तो हमारा जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है कल जो मैं क्लास लेके आऊंगी उसमें मैं पूरे डेफिनेट आर्टिकल का कॉन्सेप्ट कराऊंगी और उसके बाद रहेगा आपका प्रैक्टिस एट तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगती है सारे नोट्स को अच्छे से लिखिए उसको ज़्यादा नहीं दो से तीन बार आप पढ़ेंगे तो आपको सवर, सब कुछ कवर अप हो जाएगा तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल के नेक्स्ट पार्ट के साथ आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू